हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी किचन में। तो आज हम बना रहे हैं मलका की छिलके वाली दाल, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैंने ये आधी कटोरी मलका की दाल ली है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। 20 से 25 मिनट आपको इसको भिगो के रखना है। और आधी कटोरी दाल है तो इसमें मैंने 3 कटोरी पानी मिलाया है, जैसा आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो आप अभी शुरुआत में डालेंगे हींग आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं। मुझे हींग ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है। हींग मैं तड़के में भी यूज़ करूँगी। 1 चम्मच हल्दी और नमक आप अपने अंदाज से स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसमें आपको 4 सीटी बड़े और उसके बाद 15 मिनट मैंने सिम पर रखा है। अब आप देख सकते हैं दाल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी लग रही है। ये मलका की छिलके वाली दाल है और एक बिना छिलके वाली दाल भी होती है। इसको हम फ्राई करेंगे, फ्राई दाल बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया, 2 हरी मिर्ची, प्याज और 2 टमाटर। आप चाहें तो अदरक और लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं, बट मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। स्वाद के अनुसार आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई ली है, इसको मैं देसी घी में बनाऊंगी। आप चाहें तो रिफाइंड में या जो भी आप ऑयली ऑयल यूज़ करना चाहें आप उससे डाल सकते हैं। दाल अगर देसी घी में बनाई जाए तो उसका स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये मैंने 2 चम्मच घी लिया है। घी को काफ़ी अच्छे से गर्म होने दीजिए। देख सकते हैं घी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इसमें जो हमने अभी काटे हैं हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, उसे ये फ्राई होगी। तो हमारा घी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। इसमें हमने डाला है जीरा। जीरे को अच्छे से गर्म होने दें। इसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, प्याज को आपको हल्का हल्का भूनना है, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा। प्याज का रंग हल्का हल्का पिंक होना चाहिए। इसको धीरे धीरे आंच पे, धीमी आंच पे आपको फ्राई करना है। आंच अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसमें हरी मिर्च, प्याज और जीरा, 3 चीज़ डाली हैं। अभी थोड़ा सा हमारी प्याज जब पिंक हो जाएगी, जैसा आप देख रहे हैं पिंक हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, एवरेज टमाटर, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना बहुत ज़्यादा छोटे। टमाटर भी आप अपने हिसाब से, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। टमाटर दाल में अगर ज़्यादा डले हो तो दाल अच्छी बनती है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके हमारा टमाटर इसमें फ्राई हो रहा है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाए। को थोड़ा सा अगर आप ढक दें तो धीमी धीमी आंच पे अच्छा बनता है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक धीरे धीरे करके ये उबल रही है। अभी मैंने इसमें हींग डाली है और लाल मिर्ची का प्रयोग मैंने पहले नहीं किया था, इसलिए मैंने बाद में डाला है हरी मिर्ची और लाल मिर्ची। आप चाहें तो कोई एक मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा ढक दिया था मैंने। अब देखते हैं खोल कर कि दाल कैसी बनी है। अब आप देख सकते हैं दाल ऑलमोस्ट गल गई है, सॉरी, दाल का तड़का ऑलमोस्ट गल गया है। बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। आपको जब तक इसको चलाना है धीमी धीमी आंच पे, जब तक ये अपना ऑयल ना छोड़ दे। हल्का हल्का आप इसको प्रेस करके टमाटर को आप गला सकते हैं। गल तो चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दबाएंगे तो ये मैश हो जाएगा। इसमें आप हल्के हल्के हाथों से ये चीज़ कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं हमारा तड़का ऑलरेडी रेडी हो गया है।
अब इसमें जो हमने दाल बनाई थी वो हमने डाल दिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। इस टाइम जो गैस की आपकी आंच है वो कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होगी तो दाल का पूरा पानी गल जाएगा। तो पानी आपको इतना रखना है, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो। आप चाहे तो इसको रोटी से, चावल से, किसी से भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं दाल का कलर कितना अच्छा आया है। दाल हमारी बन चुकी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।